अलगाववादी एवं सांप्रदायिकता की राजनीति की को बढ़ावा दे रही है। एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी पूरे देश भर में घूम घूम करके तमाम रैलियों में देश में जो व्याप्त गरीबी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जो विकास के मुद्दे हैं उनके साथ साथ तमाम ऐसे वर्ग हैं जिनके उत्थान की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे से जनता का ध्यान हटा करके सांप्रदायिक राजनीति की तरफ ले जाना चाहती है। कांग्रेस सुप्रीमो ने घोर सांप्रदायिक शक्तियों से वोट मांग करके सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा दिया है। हमारी कांग्रेस पर सीधा आरोप है कि कांग्रेस के मूल मुद्दे यानी कांग्रेस ने देश के मूल मुद्दे यानी विकास के मुद्दे को एक तरफ रखते हुए उससे जनता का ध्यान बटाते हुए सांप्रदायिकता बनाम धर्म निरपेक्षता की राजनीति की तरफ बढ़ रही है। इस चुनाव का मेन दिशा वो सांप्रदायिक बनाम धर्म निरपेक्षता की तरफ मोड़ना चाहते हैं। सोनिया गांधी बताएं कि आखिर फतवा की राजनीति कब तक चलेगी? देश को बांटने वाली शक्तियों को साथ में लेकर के वो कब तक ये फतवा की राजधानी राजनीति करती रहेंगी? कांग्रेस के इस कदम से अब ये स्पष्ट हो चुका है कि हम पर राजनीतिक जो सामाजिक सांप्रदायिकता का जो तोहमत लगाया जाता है यानी भारतीय जनता पार्टी पर जो सांप्रदायिक होने का जो तोहमत लगाया जाता है वो अब स्पष्ट हो चुका है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्वरूप है और कांग्रेस किस हद तक इस चुनावी राजनीति में अपने को सांप्रदायिक घोषित कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है क्योंकि एक तरफ उनके पीएम कहते हैं कि देश के संसाधन पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, उन्हीं के कुछ मंत्री भी संविधान विरुद्ध धार्मिक आरक्षण की बात करते हैं और अब सोनिया जी सेकुलर के नाम पर फतवा की राजनीति कर रही हैं। इससे अब स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस बिल्कुल बौखला गई है, वो बिल्कुल हार मान चुकी है और अब इस समय देश में अलगाववादी शक्तियों के साथ, धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली शक्तियों के साथ और फतवा जारी करने वाली शक्तियों के साथ समझौता कर चुकी हैं। आज मुझे बस इतना ही कहना है। देखिए सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और वो जल्दी ही जारी हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों के सामने जल्दी ही आने वाला है। अब जो भी जिक्र होगा वो सब आप लोगों के सामने आएगा। नहीं देखिए चिंता तो जरूर है, इसीलिए वो अब फतवा की राजनीति पर उतर गई हैं। जी
मैंने पूछा क्या मुस्लिमों की पसंद अब बीजेपी होती जा रही है, इसलिए उलेमा और इससे मिला का लपक? नहीं, देखिए ये तो सच्चाई है कि आज मुसलमान वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास पैदा हुआ है और आज बड़ी तेजी से कम राष्ट्रीय राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के भी जो आज वो फतवा की राजनीति करने वाले लोगों के साथ जब वो लोग तालमेल करने लगे हैं तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है। नहीं नहीं, कोई कुछ भी नहीं, पूरा तैयार है, सारी चीज़ें तैयार है और कभी भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। कब तक आ जाएगा सर, इतना कर सकते हैं डेट? 6, 7, 3, 5 जल्दी मेरे ख्याल से आप लोगों के सामने वो पार्टी के ऑथेंटिक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, देखिए आज जो हमारे सामने देश के सामने है कि जिस प्रकार से जो पिछले विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में जो शक्तियां समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रही थी आज वो उनके साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया है। हकीकत तो देखिए यही है कि पिछले जो विधानसभा के चुनाव में खास तौर से दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग यह बड़ी तेजी से कांग्रेस के साथ का साथ छोड़ करके अलग हुआ और आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, इसलिए कांग्रेस अब बौखलाहट में धार्मिक उन्माद और बंटवारे अलगाववादी इस तरह की राजनीति पर उतारू हो चुकी है।